यादव ने अखिलेश यादव को घोसी का तोहफा दिया है और फिर से शिवपाल यादव ने अपनी धमक से सपा में जान फूंक दी है। दरअसल लोकसभा से पहले अखिलेश यादव ने सपा को मजबूत करने का फैसला लिया है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव को सौंपी है। चाचा भी भतीजे के भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश में जी जान से जुटे थे। उन्होंने घोसी उपचुनाव की कमान संभालकर और फिर घोसी की जीत से दर्शा दिया है कि यूपी में अभी भी शिवपाल यादव की तूती बोलती है। संगठन को धार देने की कवायद में जुटे शिवपाल यादव सुधाकर सिंह के साथ खड़े नजर आए थे। सपा ने दमखम के साथ घोसी की लड़ाई लड़ी। चुनाव की रणनीति बनाने में शिवपाल यादव सफल रहे। शिवपाल यादव ने अग्नि परीक्षा में जीत हासिल कर ली है क्योंकि पिछले कई वर्षों से सपा शिथिल पड़ी थी। शिवपाल यादव की रणनीति से घोसी उपचुनाव बीजेपी के गले की हड्डी बन गए। शिवपाल यादव ने बीजेपी से सीधा लोहा लिया और अब इस घोसी जीत से पूरा संगठन शिवपाल यादव का लोहा मान रहा है। अखिलेश यादव को चुनाव में प्रचार करवाने का मंसूबा भी शिवपाल यादव का ही था। बीजेपी को मैदान में मंत्रियों की फौज उतारनी पड़ी। उन्होंने एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को अकेले चुनौती दी। अलग अलग समय पर शिवपाल यादव के आरोपों पर सफाई एनडीए नेताओं को देनी पड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। राजभर और चौहान बिरादरी में सेंध लगाने के लिए दलित वोटरों को भी साधने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का महत्व काफी अहम रहा है। पार्टी में टूट से पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव पर ज्यादा भरोसा करते थे। संगठन की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के कंधों पर थी। चेहरा मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। अलग अलग समय पर शिवपाल यादव चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। पिछले दिनों मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में उन्होंने प्रबंधन का लोहा मनवाया। अखिलेश यादव ने घोसी चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप कर बड़ा दांव खेला था। घोसी उपचुनाव शिवपाल यादव की अग्नि परीक्षा थी और शिवपाल यादव इस परीक्षा में सफल रहे। अब देखना होगा कि पार्टी में शिवपाल यादव की कद क्या रहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।